दोस्तों एंटमैन फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी और मार्वल फेस 5 की पहली मूवी एंटमैन एंड द वॉस क्वांटम मेनिया है, यानी कि मार्वल फेस 5 एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के साथ स्टार्ट होने वाला है। एंटमैन 3 डायरेक्टली लिंक करेगी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से। केविन फाइगी ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये बात खुद कही थी और ये भी एक वजह है इस मूवी की हाईली एंटिसिपेटेड होने की। एंटमैन 3 में हमें कैंग द कॉन्करर, क्वांटम रेलम, कैसी का यंग एवेंजर्स सेटअप और मोडोक की अपीयरेंस के साथ और भी बहुत कुछ नजर आने वाला है। एंटमैन 3 में स्कॉट भैया के साथ हम सब भी क्वांटम रेलम को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वैसे हमारे स्कॉट भैया तो यहाँ ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, दोबारा घूम लेंगे। जब एंटमैन 3 का ट्रेलर नहीं आया था उसके पहले फैंस वकांडा फॉरएवर के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही एंटमैन 3 का ट्रेलर सरप्राइजिंगली ड्रॉप किया गया इसने एक अलग ही हाइप क्रिएट कर दिए और अब हम सब फैंस इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मूवी हमें एक्सपीरियंस करने को मिले। अब बात करें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया मूवी के रिलीज डेट की, तो इसे अगले साल 2023 में 17 फरवरी को यूएसए में रिलीज किया जाएगा और इंडिया में भी इस मूवी की रिलीज डेट फिलहाल यही है, लेकिन हो सकता है कि इसे एक दिन पहले यानी कि 16 फरवरी को इंडिया में रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि मार्वल और डीसी की मूवीज कई बार इंडिया में एक दिन पहले ही रिलीज हो जाती है, जैसे कि थॉर लव एंड थंडर और ब्लैक एडम। हो सकता है कि ये मूवी हमें एक दिन पहले ही देखने को मिल जाए और अगर ऐसा हुआ तो ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल रिलीज डेट है इंडिया की वो 17 फरवरी 2023 है, और अगर आगे कोई भी अपडेट्स इसके ऊपर निकल के आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मूवीज और सीरीज की रिव्यू, क्विक और लेटेस्ट अपडेट्स और भी इंटरेस्टिंग स्टफ्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।